नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ नीट 2019 के ड्रेस कोड के बारे में कुछ शेयर करना है। यहां पर मेरे पास डिटेल है नीट के ड्रेस कोड के बारे में जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। पहली बात यह है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि ड्रेस कोड में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से आइटम हैं आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं ले जा सकते। उसके बाद ड्रेस कोड के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी स्टेशनरी जैसे टेक्स्ट बुक, पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रिक पेन या स्कैनर, ये सब आप नहीं ले जा सकते। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये भी अलाउ नहीं होगा नीट के एग्जामिनेशन में। तीसरा पॉइंट आता है वॉलेट, गोगल, हैंडबैग, बेल्ट और कैप, यानी बेल्ट भी आप नहीं पहन पाएंगे नीट के एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट पर आता है तो कोई भी घड़ी आप नहीं पहन सकते हैं। एनी रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, यह सब अलाउ नहीं है। कोई ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, यानी इयररिंग्स यहाँ अलाउ नहीं है। कोई इटेबल यानी खाने के कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। वाटर बॉटल भी अलाउ नहीं है, उसका टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है यानी कोई भी दूसरी आइटम जिससे चीटिंग हो सके वह आइटम भी आप यहाँ पर नहीं ले जा सकते नीट के एग्जामिनेशन में। और ध्यान रखिए, अगर आप वाटर बॉटल, ज्वेलरी ये सब आप ले जा सकते हैं तो आपको वहाँ पर निकालना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, वहाँ पर रखने के लिए कोई सुविधा नहीं दी है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं रखा गया है लॉकर का, तो ये सब चीज़ आप घर पर रख कर ही आइएगा। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड यहाँ पर शॉर्ट में दी गई है। दो ही पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले है लाइट क्लोथ आपको पहनना है, लाइट क्लोथ हाफ स्लीव होना चाहिए, लॉन्ग स्लीव अलाउ नहीं है, ध्यान रखिए लॉन्ग स्लीव आर नॉट परमिटेड। आगे ध्यान रखिए, कैंडिडेट अगर कल्चरल और कस्टमरी ड्रेस पहनकर आना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एक घंटा पहले जाना है। यानी अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 1:30 है तो आपको 12:30 में आना पड़ेगा, आपको यह ध्यान में रखना है। स्लीपर अलाउ है, सैंडल्स, लो हील्स वाले अलाउ है, शूज़ अलाउ नहीं है नीट 2019 के एग्जामिनेशन में। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शेयर करना था ड्रेस कोड के बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।